ये सीकम का मॉडल है। सीकम जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स, सीकम, ऊपर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन एस शेप का, फिर रेक्टम और फिर एनल केनाल होता है। तो सीकम सबसे पहला पार्ट है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ब्लाइंड एंडिंग पाउच होता है, इसलिए अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो तो पेनफुल है और इट्स पेन कैन बी फेल्ट इन दी राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिम्फोइड टिश्यू के मासेज होते हैं यहाँ पे और इट हाउसेज यूजफुल बैक्टीरिया दैट एड्स इन डाइजेशन एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। इसकी ब्लड सप्लाई के अंदर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच इलियोकोलिक आर्टरी सप्लाई सीकम और इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाइज अपेंडिक्स। फिर ये सीकम का पार्ट है। सीकम के अंदर हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर्स से बना हुआ होता है। स्मूथ मसल फाइबर्स के दो लेयर्स फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर फाइबर्स और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स से टीनिया कुलाई बनता है। टीनिया कुलाई की स्टार्ट अपेंडिक्स से होता है और फिर थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ स्मूथ मसल होता है जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से लेकर के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर जाके ये कवर करता है। और साइड पे जो है ये सर्कुलर मसल्स का बैंड होता है जो कि पहले फ्लैट था, लेकिन टीनिया कुलाई जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ये हॉस्ट्रेशंस बना देता है, एक बैग की तरह से सर्कुलेशंस इसमें बना देता है। तो ये टीनिया कुलाई, ये हॉस्ट्रास ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और टीनिया कुलाई के भी तीन बैंड्स होते हैं, फ्री, मीसोकोलिक और ओमेंटल। ठीक है, टीनिया कुलाई में ये जो येलो कलर के यहाँ साइड पर देखने, ये ओमेंटल अपेंडेजेस हैं। ओमेंटा कवर्ड बाय फैट होता है। ये सीकम है और ये वाला ईलियम है। ईलियम इसके ज़रिए फूड जो है वो एंटर होता है सीकम में। तो इसको हॉस्ट्रा को खोल के देखेंगे अंदर, तो सीकम के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये ऑरिफाइस ऑफ अपेंडिक्स है, यहाँ पे तीनों टीनिया कुलाई के बैंड्स का जंक्शन होता है और ये इलियोसीकल ऑरिफाइस है। इसके सुपीरियर लिप और इन्फीरियर लिप और साइड पे जहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर यूनाइट करते हैं वहाँ पे फ्रेनुला बनता है। जब फ्रेनुला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इलियोसीकल वॉल्व क्लोज हो जाता है, विच प्रिवेंट्स द रीगर्ग्रेशन ऑफ फूड फ्रॉम सीकम टू द ईलियम, ताकि फूड यहाँ पे रिफ्लक्स बैक इन टू द ईलियम ना कर जाए। तो इलियोसीकल वॉल्व और इलियोसीकल ऑरिफाइस, ये ऊपर सीकम जो है कनेक्ट होता है असेंडिंग कोलॉन से।